हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यार इन दी कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर जो कि बलेनो के ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। जी हां, सही पहचाना, ये है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। न्यू कार है, न्यू डिज़ाइन लाइन है, ऐसा मारुति कहती है, पर अगर साइड से आप देखें तो ये आपको शायद देखने में बलेनो ही लग रही होगी, बट नहीं, कुछ चेंजेस हैं, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं। ये गाड़ी बेसिकली जो असेंबली लाइन है वो अहमदाबाद के गुजरात की असेंबली लाइन पे बनती है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको नेक्सा वेव ग्रिल देखने को मिलती है। ये नेक्सा की नई ग्रिल है जो इस फ्रॉन्क्स के अंदर और ग्रैंड विटारा के अंदर आपको देखने को मिलती है। सेंटर में क्रोम का एस्पेक्ट आप देख रहे हैं और उसके साथ सुजुकी का बड़ा सा लोगो। स्लीक, स्टर्डी, यूनिक, एरोडायनामिक डिज़ाइन इस गाड़ी को दिया गया है मारुति सुजुकी द्वारा। नेक्सा के प्लेटफॉर्म से सेल होती है। टायर साइज इसमें आपको 16 इंच का मिलता है, 9560R16। ये फुल ब्लैक एलॉय आपको देखने को मिल रहा है, बट जो टॉप मॉडल आता है अल्फा, उसके अंदर आपको प्रिसीजन कट डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का। यहाँ पर आप देखिए जो व्हील आर्क्स हैं वहाँ पर रगडनेस देने के लिए ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और अच्छा एरिया बचता है बिकॉज इससे क्या सस्पेंशन आपको बढ़िया मिल जाएगा। टेल लाइट्स की बात करें तो एलईडी स्वीपिंग कनेक्टेड आरसीएल टेल लाइट्स आपको इसके अंदर मिलती हैं और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन। ऊपर शार्क फिन एंटीना मिलता है और ये स्टैंडर्ड है, आपको हर मॉडल के अंदर अब शार्क फिन एंटीना ही दिया जाता है फ्रॉन्क्स के अंदर। इंजन की अगर बात करें तो आपको इसके अंदर 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन मिलता है और उसके अलावा 1.2 लीटर सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिलता है। जो 1.2 लीटर इंजन है दोस्तों, वो आपको सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर मिलता है और अगर आप जीटा या अल्फा लेंगे तो उधर 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन ही मिलेगा। अच्छा माइलेज वो तो मारुति देती ही है, तो इस गाड़ी में भी आपको बढ़िया माइलेज मिलता है। 1.2 लीटर का जो है वो एडवांस्ड के सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन है जो मारुति ने पेश किया है इस बार। मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। ऑटोमेटिक के अंदर आपको पैडल शिफ्टर भी मिलता है। 7 कलर ऑप्शंस हैं और जो कि 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ भी ये गाड़ी आती है। ये इसका आप इंटीरियर देख रहे हैं। इनबिल्ट सुजुकी कनेक्ट आपको इसके अंदर मिलता है जिससे आप बहुत से फीचर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप, एसी कंट्रोल, डोर लॉक, हेडलैम्प, हैजार्ड स्विच, बैटरी स्टेटस देख सकते हैं और जियो फेंसिंग भी। ऊपर आपको रूफ रेल मिलते हैं जो कि सिल्वर और ब्लैक फिनिश के अंदर है। आप ये देखिए सिल्वर है, ये ब्लैक एरिया है, ये पर्टिकुलर कलर जो है ये नेक्सा ब्लू है। दोस्तों मारुति वाले इसको एक एसयूवी बोल रहे हैं बट ये बेसिकली क्रॉसओवर है। अगर उनकी वेबसाइट पे भी चेक करें तो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर और आगे एसयूवी उन्होंने लिख रखा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आजकल इंडिया की मार्केट सिर्फ एसयूवी के पीछे भाग रही है, तो उन्होंने क्रॉसओवर डिज़ाइन को एसयूवी स्टांस थोड़ा सा दे दिया और उसको एसयूवी कहकर सेल कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, आपको ये गाड़ी देखकर एसयूवी का फील दे रही है या नहीं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बट हाँ, नया फ्रेश डिज़ाइन है जो कि बहुत लाजवाब है और मुझे लगता है कि इस गाड़ी के आने से बलेनो की सेल खुद ब खुद ही कम हो जाएगी, बिकॉज ये बलेनो से ज़्यादा अच्छी है दिखने में भी और इसमें आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है जो कि बलेनो में इतना नहीं है।
कितना ग्राउंड क्लियरेंस है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट। सो चॉइस आपकी है, आप अगर पसंद करें तो गाड़ी ज़रूर लें और एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लेकर देखें, बिकॉज एक बात माननी पड़ेगी कि मारुति के इंजन बहुत ही स्मूथ होते हैं, 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया बात है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बलेनो भी सेम वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये है 1st जनरेशन बलेनो का मॉडल और कुछ ऐसा दिखता है। और नेक्स्ट जो आपको दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा फ्रॉक्स, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सी आपकी चॉइस हो सकती है और कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। अब आपके सामने है फ्रॉक्स, ये देखिए साइड से आपको बलेनो और फ्रॉक्स काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को लगेंगे, बट हाँ गेम चेंजिंग है इसका रियर और फ्रंट। ये देखिए फ्रंट लुक है ना बिल्कुल चेंज्ड। ये इसके DRLs हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है इसका हेडलैम्प जो कि ट्राई डिज़ाइन के अंदर है, ट्राई बीम डिज़ाइन है। इसके अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा, रीज़न बीइंग क्योंकि हेडलैम्प ही इसके नीचे डिप्लेस्ड है तो फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। ORVMs बिल्कुल सिमिलर हैं जो आपको बलेनो के अंदर मिलते हैं, वही ORVMs इसके अंदर भी मिलते हैं। कनेक्टेड टेल लैंप गेम चेंजर हैं, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। डिसीजन आपका है, आप बताइए आपकी चॉइस क्या है। नए जमाने की नई गाड़ी तो डेफिनेटली फ्रॉक्स ही है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना आपको ज़्यादा बढ़िया क्या लगा, और इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें एंड ड्राइव सेफ़।